फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो आप लोगों ने मेरा दिवाली का ब्लॉग देखा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाएगा तो दिख जाएगा। तो आज है दूसरा दिन, मतलब फ्राइडे है, आज छोटी दिवाली, कितना लोग बासी दिवाली जो भी बोल लीजिए। सो हम लोगों का तो अभी दिवाली चलेगा छठ पूजा तक, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को अगेन। एंड मैं आज बिल्कुल रेडी हो गया है, और अभी जो टाइम है वो 9 बजने वाला है, और दिन भर तो लेजीनेस में चला गया, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस उठो खाओ फिर सो जाओ, फोन चलाओ, इंस्टा पे बस पोस्ट करो, यही सब में पूरा दिन निकल गया। और फिर खाना पीना रात का बन गया है, माँ लोग खा रही हैं और यहाँ मिस्टर रेडी हो रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और अभी हम लोग जाएंगे काली पूजा घूमने के लिए, तो आप लोग को भी घुमाएंगे तो ब्लॉग में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं जा रही हूँ रंगोली में दिया जलाने, तो चलिए चलते हैं साथ में, फिर हम लोग निकल। तो यहाँ पर सब जगह दिया जल गया था, दो दिन तीन दिन लगातार दिया जल ही रहा था, तो मैं सोची रंगोली में भी जला देते हैं। और यहाँ पर फिर माँ रील शूट कर रही थी, तो वही देखिए यहाँ पे मतलब ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ मैनेज हो जाता है, अगर आप चाहो तो काम भी हो जाएगा, रील्स भी बन जाएगा। एंड यहाँ पर मैं आ गई अपने रंगोली के पास, और यहाँ पर मैं दिया लगाऊँगी अब फटाफट, देख सकते हैं आप। एंड मैंने आज बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना है, क्रॉप टॉप, इसमें ना मतलब लग ही नहीं रहा था कि क्रॉप टॉप लग रहा था, फुल फ्रॉक है, बट बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है इसलिए मैं पहनी, क्योंकि घूमना है बहुत चलना पड़ता है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये हो गया है, और यहाँ पर अभी भी माँ का वीडियो शूट हो ही रहा है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, बाहर में ये लोग भी पटाखा फोड़ रहे थे, ये देखिए ये बहुत डेंजर आवाज़ करता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि घर में कुछ गिरा। फिर हम लोग निकले माता रानी से मिलने के लिए, तो यहाँ पर मैं, माँ, पापा जी, ये गुड़िया जी जा रहे हैं, रोहित जी अपने दोस्त लोग के साथ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आए सब्जी मंडी साइड में, यहाँ पर इतना सुंदर हो रखा था ना, बाहर में इतना बड़ा शिवलिंग बना हुआ था कि एकदम दूर से ही दिख रहा था। उसके बाद फिर अंदर आए, अंदर में ना कुछ जगह जगह पर कहीं पर हवन हो रहा है, कहीं पर बलि चढ़ रहा है, कहीं पर पूजा हो रहा है, कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्टैचू बनाया गया था, कुछ मतलब इसका स्टोरी होगा जो कि मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या दर्शाने का कोशिश किया गया है। तो फिर यहाँ पर हम लोग अब माता रानी का दर्शन करेंगे, एंड देख सकते इतना सारा शंखा लगाया हुआ था, मतलब बहुत सुंदर डेकोरेशन किया था। और ये रही हमारी प्यारी सी माता रानी, तो मैंने यहाँ पर इनका आशीर्वाद लिए। फिर बाहर निकले, बाहर में शिवलिंग के नीचे शिव जी भी बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं सोची एक दो फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेती हूँ, बट यहाँ पर फ़ोटोज़ अच्छा नहीं आ रहा था, मतलब इतना भीड़ था ना कि कोई ना कोई आ जा रहा था, तो अजीब ही लग रहा था। बट वहाँ पे माँ पापा जी थे, तो उन लोग बोले कि फ़ोटो ले लेते, तो यहाँ पे फ़ोटो लिया जा रहा था, तो मैं बस वैसे ही घूम रही थी। एंड उसके बाद यहाँ से मैं बाहर निकली, तो मुझे ये चटपटा खाने का मन किया, बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगता है। फिर मुझे दिखा बहुत ही टेस्टी वाला पाव भाजी, तो मैं सोची ले ही लेती हूँ। आजकल पता है क्या हो रहा है, मुझे ना फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने ओर, और मैं खाना भी स्टार्ट कर दी हूँ, जो दिख रहा है ना बस मन करता है खा जाऊँ, पता नहीं क्या हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकले नेक्स्ट लोकेशन की ओर, जहाँ पर बहुत सुंदर झूमर, तो इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पर इतना क्राउड हो रखा था ना कि फ़ोटोज़ ही नहीं ले पा रही थी, तो यहाँ पर फ़ोटोज़ बहुत अच्छा आता। फिर धीरे धीरे करके हम लोग अंदर की ओर आए, अंदर आप देख सकते हो भीड़, और अंदर ऐसे कुछ कलरफुल लाइट्स लगाया हुआ था, यहाँ से भी और अंदर जाना था। फिर फाइनली हम लोग अंदर पहुँचे, अंदर वो जो नेवारी होता है ना जो गाय वाय खाते, उसके से हेल्प से इन लोगों ने बनाए थे, मतलब इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ यार, एकदम एकदम दुर्गा पूजा में जैसे आजकल एक से एक पंडाल है, वैसे काली पूजा में कर दिए। फिर माँ दिखी, दर्शन किए, प्रणाम किए। एंड इसके बाद बाहर निकली, तो बाहर में लगा था बहुत बड़ा मेला, झूला वगैरह भी लगा था, बट इतना भीड़ था कि पॉसिबल नहीं था, आप झूल नहीं पाओगे, भैया बोल भी देते नेक्स्ट डे आइए। और यहाँ पर फिर बंदूक का वो दिखा, तो गुड़िया जी, माँ, ये लोग निशाना लगा रहे कि मेरा निशाना कैसा है, और मैं इधर खाने का चीज़ देख रही थी, तो देखते देखते मुझे चाट मिला, तो मैं यहाँ पे चाट खा रही हूँ।
फिर मुझे वेलपुड़ी मिला तो ये भी ले ली, क्योंकि ये देखकर मुझे जम्मू का याद आ जाता है, क्योंकि जम्मू में हम लोग जब भी मेला घूमने जाते थे ना तो वेलपुड़ी जरूर खाते थे। फिर यहाँ से हम लोग निकले नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दूर पहुँचे तो रास्ते में एक माँ को पंडाल बनाया था, पंडाल बहुत सुंदर था, क्यूट सा। फिर हम लोग को यहाँ से ज्वाइन किए रोहित जी और उनके फ्रेंड्स, एंड ये लेकर गए हम लोगों को एक जगह जहाँ पर बहुत सुंदर हुआ है, लाइक महल बनाया है बहुत बड़ा सा, और यहाँ पर भीड़ तो आप पूछो मत, लगता है आधा घंटा के जैसा, आधा एक घंटा जैसे तुम लोग भीड़ में ही खड़े थे, खड़े खड़े हम लोगों का पैर में दर्द हो गया था, ये देख सकते हैं आप। एंड उसके बाद ये देखो आप, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम रोयल टाइप का जो दिख रहा है ना, यही है, इतना सुंदर बनाया, मतलब कारीगर को ना ग्रैंड सैल्यूट देना पड़ेगा, कितना मेहनत करता है, कितना महीने काम कर रहा है, वो भी बस 3-4 दिन के लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कैसा फील हो रहा था, एकदम रॉयल टाइप का था, और बीच में थी माँ, इतना सुंदर लग रहा था, और यही देखने के लिए इतना भीड़ था ना, कि मतलब होता है ना कि आप जो 1 घंटा वेट किए वो वसूल हो गया देखने का। और ये जो माँ का प्रतिमा था ना, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। और ये रहे हम सब लोग, यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी ली। उसके बाद फिर मिला खिचड़ी, तो यहाँ पर हम लोग खिचड़ी खाए, खिचड़ी बहुत टेस्टी था। फिर यहाँ से चल चल के हम लोग आए नेक्स्ट लोकेशन पर, जहाँ पर पेड़ पौधा बहुत यूज़ हुआ था, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बाहर में वाटरफॉल ऐसा कुछ था। और इसमें जो पंडाल बनाया था ना, इसमें तो इतना मेहनत किया है ना, वो मेहनत झलक रहा था, इतना कारीगर मेहनत किया है, भगवान मैं तो सच में बोल रही हूँ काली माँ उन सबको बरकत देना जो इतना मेहनत करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखकर और पिट्ठा लेके हम चले गए घर खाते खाते।